हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। तो आज हम कुंभलगढ़ किले के बारे में बात करेंगे, जो राजपूताना शौर्य का भव्य किला है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि कुंभलगढ़ किला पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास राजसमंद जिले में अरावली पहाड़ियों की विस्तृत श्रृंखला पर मेवाड़ का किला स्थित है। यह राजस्थान के हिल फोर्ट्स में शामिल एक विश्व धरोहर स्थल है। चित्तौड़गढ़ किले के बाद कुंभलगढ़ किला मेवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण किला है। यह किला दुनिया के सबसे बड़े किले परिसर में से एक है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 13 मई 1459 को कराया था। इस किले को अजयगढ़ किला भी कहा जाता है, क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इस किले के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवारें लगभग 36 किलोमीटर लंबी हैं। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आँख कहते हैं। यह दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिससे यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजय रहा है। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई हैं। यह दुर्ग 268 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल है व कुंभा महल सबसे ऊपर है। महाराणा कुंभा महाराणा मोकल के पुत्र थे और उनकी हत्या के बाद गद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने पिता के मामा रणमल राठौड़ की सहायता से शीघ्र ही अपने पिता के हथियारों से बदला लिया। 1437 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी उन्होंने उसी साल सारंगपुर के पास बुरी तरह से हराया और उस विजय के स्मारक स्वरूप चित्तौड़ का विख्यात विजय स्तंभ बनवाया। महाराणा कुंभा की महत्ता विजय से अधिक उनके सांस्कृतिक कार्यों के कारण है। उन्होंने अनेक दुर्ग, मंदिर और तालाब बनवाए। चित्तौड़ को अनेक प्रकार से सुसंस्कृत किया। कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला उन्हीं कृतियों में से एक है। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। दुर्ग की प्राचीर 36 मील लंबी व 7 मीटर चौड़ी है, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। राणा कुंभा ने युग के प्रसिद्ध वास्तुकार मदन की सहायता से इस किले का निर्माण करवाया। राणा कुंभा के मेवाड़ राज्य का विस्तार रणथंभौर से ग्वालियर तक था और इसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के बड़े रास्ते भी शामिल थे। अपने प्रभुत्व में 84 किलों में से राणा कुंभा ने उनमें से 32 किले का निर्माण करवाया, जिनमें से कुंभलगढ़ सबसे बड़ा व सबसे विस्तृत है। किले की तलहटी में महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी है। इसे उड़वा राजकुमार के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज स्मारक पर लगे लेख में पृथ्वीराज के घोड़े का नाम साहर दिया गया है। रात के वक्त जैसे ही कुंभलगढ़ किला अंधेरे में घिरता है, यह किला शानदार लाइटिंग से जगमगा उठता है। एक साउंड और लाइटिंग शो से इस स्थान के इतिहास से पर्यटकों का ज्ञान बढ़ता है। किले के अंदर 350 से भी अधिक मंदिर हैं, जिनमें से 300 प्राचीन जैन और शेष हिंदू मंदिर हैं। महल के शीर्ष से अरावली श्रेणी देखना संभव है। इस किले के अंदर बने सभी मंदिरों में से गणेश मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर किले के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इस किले में पार्श्वनाथ मंदिर और गोलारे जैन मंदिर प्रमुख हैं। माताजी मंदिर, जिसे खेड़ा देवी मंदिर भी कहा जाता है, नीलकंठ मंदिर के दक्षिण ओर स्थित है। किले के अंदर ममदेव मंदिर, पीटल शाह जैन मंदिर और सूर्य मंदिर अन्य प्रमुख मंदिरें स्थित हैं।
राजस्थान पर्यटन विभाग कला और वास्तुकला के प्रति महाराणा कुंभा के जुनून की याद में किले में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन करता है। त्यौहारों के दौरान हेरिटेज फोर्ड वॉक, पगड़ी बांधना, रस्साकसी और अन्य भी कार्यक्रम होते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी कुंभलगढ़ किले के बारे में। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो।